इस वीडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों को बिहार बोर्ड वर्ग 9वीं प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न संख्या 1 से बताने वाले हैं। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.5 तक देख लिया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा और उसे देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर आप लोग चेक करें। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है ज्ञात कीजिए, जिसमें ये सभी दिया, इन सभी को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए, अध्याय 1 प्रश्नावली 1.6 और वर्ग है 9वीं। इसमें प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है ज्ञात कीजिए, तो इन सभी को क्या करना है, आप लोगों को ज्ञात करना है। तो इन प्रश्नों को समझने से पहले आप लोगों को समझना होगा घातांकों के नियम। अगर घातांकों का नियम अगर आप लोग समझ जाते हैं तो प्रश्नावली 1.6 को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं घातांकों के नियम। तो यहां पर देखिए घातांकों के नियम, इसमें देखिए घातांकों के नियम में पहला है, अगर ए की घात एम इंटू में ए की घात एन हो तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं ए की घात एम प्लस एन। अब समझते हैं यहां पर देखिए नीचे वाले, ये जो देखिए यहां पर इसको हम कहते हैं आधार, इंग्लिश में कहते हैं इसको बेस। तो देखिए नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, दोनों को, ये दोनों क्या है, आधार है, और इंटू का मतलब ये गुना में है, और इसके ऊपर में ए की ऊपर में जो ये एम है इसको हम कहते हैं घात। यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, घात, या फिर इसी को हम कहते हैं घातांक। तो देखिए ए के ऊपर में जो है यहाँ पर एम, तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो इसको हम कहेंगे ए की घात एम, और यहाँ पर गुना का चिन्ह है तो इसको हम इंटू कहेंगे। तो ए की घात एम इंटू ए की घात, ये क्या हो गया, इसके ऊपर है तो एन, इसको हम घात पढ़ेंगे। तो ए की घात ये एन है तो एन कहेंगे, ए की घात एन। तो नीचे वाला संख्या यहाँ पर क्या होता है, ये आधार होता है, और इसके ऊपर जो होता है उसको हम कहते हैं घात। तो यहाँ पर देखिए जब दोनों की आधार समान हो, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों एक क्या आधार है, जब दोनों की आधार समान हो और वो इंटू में हो और इसके घात अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार आधार को लिख देते हैं, ये हो गया आधार, ये जो ए है, दोनों की आधार समान है, ए है तो हम ए लिख देंगे, और इनके ऊपर जो घात है इन दोनों घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये एम प्लस एन हो गया। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे यहां पर देखिए इसमें दिया ए की जगह पर दिया है 2 और इसके घात एम की जगह पर दिया है 3, और इंटू में देखिए यहाँ पर ए की जगह पर 2 है, तो यहाँ पर देखिए जब दोनों के आधार समान हो, दोनों के आधार ए यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी ए, तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी देखिए यहाँ पर ए की जगह पर 2 और ए की जगह पर 2, और इनकी घात क्या अलग अलग है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। जब दोनों के आधार समान हो तो हम एक बार आधार को लिख देते हैं और इनके घात क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 3 प्लस में 5, यहाँ पर जोड़ दिए इन दोनों को, तो यहाँ पर कितना हो गया, इनका आधार हो गया 2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर दूसरा आप लोगों को घातांकों के नियम में समझना होगा, अगर यहाँ पर दिया हो ए की घात एम और इन सभी का घात अगर एम दिया हो तो हम क्या करते हैं, इनका आधार, ये जो ए है ये आधार हो गया, नीचे वाले को हम कहते हैं आधार और इसके ऊपर जो उसको कहते हैं घात। तो यहाँ पर देखिए ये हो गई, ये हमारा आधार को हम वैसे ही लिख देते हैं और इनकी घात को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जैसे ये एम है और एन है तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे इस रूप में। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण समझिए, जैसे दिया हो देखिए ए की जगह पर है 2 और इनके ऊपर यहाँ पर है 3, ये 2 की घात 3 हो गया और इन सभी का घात हो गया 5, तो हम क्या करेंगे, एक बार आधार को वैसे ही लिख देंगे, 2 को हम वैसे ही लिख देंगे और इनके घात को हम क्या करते हैं, आपस में गुना कर देते, तो 3 को हम 5 से गुना किया तो 15 हो गया। तो यहाँ पर लिख दिया 2 की घात 3 पंचे के 15 हो गया, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर तीसरा समझिए, अगर दिया हो ए की घात एम इंटू बी की घात एम, तो यहाँ पर देखिए इस ये जो आधार है, देखिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो हम इन दोनों को गुना कर देते हैं और इनकी घात को वैसे ही लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण से समझिए, देखिए इनका आधार 2 है और यहाँ पर देखिए तो 3 है, दोनों यहाँ पर अलग अलग संख्या है, तो यहाँ पर ए की जगह पर और ये बी की जगह पर, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे क्योंकि ये इंटू में है, तो 2 को हम 3 से गुना कर देंगे, 2 के 3 को गुना कर दिए और इनकी घात देखिए दोनों की घात समान है, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, एम और इसमें भी एम की जगह पर, तो यहाँ पर इसकी घात को क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। तो देखिए 3 को 2 से गुना करें या फिर 2 को 3 से गुना करें, 2 3 1 6 और इनकी घात हो गया 5, तो लिख देंगे 5, इस तरह से ये हो गया 6 की घात 5। अगर इस तरह से दिया हो, यहाँ पर चौथा आप लोगों को याद रखना है, अगर यहाँ पर दिया हो भाग में ए की घात एम को भाग करना, अगर ए की घात एन से, तो हम किस तरह से इसको लिखेंगे, देखिए दोनों की आधार अगर समान हो तो हम एक बार आधार को लिख देते हैं और ये बटे में हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, यानी कि एम में से हम एन को घटा देंगे, ये हो गया घात दोनों के ऊपर। तो हम यहाँ पर देखिए इसको उदाहरण समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए दोनों की आधार समान हो और वो बटे में हो, यानी कि ये भाग में है, तो यहाँ पर देखिए जब दोनों की आधार समान हो तो हम एक बार आधार को लिख देंगे और यहाँ पर बट्टे में हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं, 5 में से हम 3 को घटा दिए, तो 2 की घात कितना हो गया, 5 में से 3 को घटाइए तो 2 हो गया। यहाँ पर इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, 2 की घात 2 पढ़ेंगे।
अब इसके बाद ये पांचवा आप लोगों को याद रखना है, अगर दिया हो एक ही घात माइनस में दिया हो, एक ही घात माइनस में अगर कुछ भी दिया हो तो हम क्या करते हैं इसको प्लस में बदलने के लिए हम बट्टे में लिख देते हैं। तो यहां पर लिख देंगे एक और बट्टे में एक, इसके ऊपर एक है इसको हम प्लस में लिखेंगे एक, यहां पर नीचे में लिखेंगे तो हम एक को घात में लिखते नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं एक। अब इसके बाद आप लोगों जैसे उदाहरण समझिए, जैसे यहां पर देखिए एक ही जगह पर तीन है और इनकी घात अगर माइनस में हो तो हम इसको प्लस में बदलने के लिए क्या करते हैं बट्टे में लिख देते हैं एक और बट्टे में, हमेशा याद रखिएगा एक लिख देंगे और बट्टे में क्या करेंगे तीन है तो तीन और इसके ऊपर घात पर घात माइनस में था तो इसको हम लिख दिए प्लस में, जब यहां पर माइनस में था तो इसको प्लस में बदलने के लिए हम लिख दिए एक बट्टे में तीन की घात पांच। अगर इतना आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग प्रश्नावली 1.6 को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए आप प्रश्नावली 1.6 को प्रश्न संख्या एक से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या एक में कह रहा है ज्ञात कीजिए, तो इनको क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसको हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया 64 की घात 1/2, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे इन 64 का ये बहुत बड़ा संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड कीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए इसको समझाते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 64 का गुणनखंड कीजिए, यहाँ पर लिखेंगे 64 और इसका हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम 2 से लेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 4 का हाफ हो गया आधा हो गया 2 और 6 का आधा हो गया 3, फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 × 32, फिर 2 से करेंगे तो 8 × 16, फिर 2 से लेंगे तो यहाँ पर 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 × 4, फिर 2 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड कितना हो गया 64 का गुणनखंड, देखिए गुणनखंड का मतलब जो खंडित रूप में हो, जैसे यहाँ पर देखिए 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6 बार। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड के रूप में हो गया, ये क्या हो गया 64 का गुणनखंड हो गया, तो इस रूप में हम लिख देंगे। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये 64 बराबर इतना है तो 64 बराबर इतना है तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 की घात 6। अब कहिएगा हमने 64 को 2 की घात 6 क्यों लिखा, तो यहाँ पर देखिए 2 की घात 6 को हम जब 2 को हम 6 बार गुना करेंगे स्वयं से तो 64 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 को हम स्वयं से 6 बार गुना करें 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 32, 32 × 64, तो इस तरह से यहाँ पर 64 आ जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं 64 बराबर 2 की घात 6 लिख सकते हैं, हमने 2 यहाँ पर है इसमें तो 2 लिख दिया और 6 2 कितनी बार है 6 बार है तो 6 लिख दिया इसके ऊपर तो 2 की घात 6 लिख सकते हैं 64 को। यहाँ पर लिख देते हैं 64 को जगह पर हम लिख देते हैं 2 की घात 6, 64 की जगह पर हम लिख देते हैं 2 की घात 6 और इसके ऊपर 64 के ऊपर था तो 64 के ऊपर कितना है 1/2, तो हम इसको 64 को लिखे 2 की घात 6 और इसके ऊपर 1/2 है तो लिख दीजिए 1/2, इतना हमने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे इसमें पीछे बराबर का चिन्ह लगाइए, अब इसको हम क्या लिखेंगे। अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया, यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया हुआ है घातांकों के नियम में, अगर दिया हो एक ही घात m और इसके ऊपर घात दिया हो तो हम क्या करते हैं इसके आधार को हम वैसे ही लिख देते हैं और इनके घात को गुना कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके आधार है तो 2 को ऐसे ही लिख देंगे और इन दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे, 6 को गुना कर देंगे 1/2 से, इसके बट्टे में कुछ भी नहीं तो 1 दे सकते हैं तो देखिए कोना कोनी ये कट जाएगा 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, तो यहाँ पर इसके ऊपर कितना हो गया 3 को हम 1 से गुना करेंगे तो 3 प्राप्त होगा तो 2 की घात 3 हो गया। और 2 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है, 2 की घात 3 का मतलब 2 के ऊपर 3 है इसका मतलब 2 जो है स्वयं से 3 बार गुना हो रहा है। तो देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 8, तो 2 की घात 3 बराबर हो गया 8, यही हो गया इसका आंसर। हो सकता है आप लोगों को कोई प्रश्न संख्या एक का अगर पहला समझ नहीं आया होगा तो दूसरा नंबर देखिएगा तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर समझते हैं, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर है 32, तो 32 का सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका भी गुणनखंडन करेंगे, तो इसका गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 32 का गुणनखंड करेंगे, तो 32 का गुणनखंड कीजिए, लिख देंगे 32 और इसका गुणनखंड कीजिए, 2 से लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 16 × 32 = 16, फिर 16 का आधा 8, फिर 2 से लगाए तो 8 का आधा 4, फिर 2 से लगाए तो 2 × 4, फिर 2 से लगाए तो 1। यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड 32 का गुणनखंड कितना आ रहा है इसका जब गुणनखंड किए तो, यानी कि गुना के रूप में लिखेंगे तो देखिए 2 कितनी बार है 1, 2, 3, 4, 5 बार, तो हम लिख देंगे 5 बार, 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। तो यहाँ पर देखिए 32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 कितनी बार है 5 बार है तो 5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 को हम 5 बार स्वयं संख्या से गुना करेंगे देखिए तो यहाँ पर 32 हमें प्राप्त होगा, 2 × 4, 4 × 8, 2 × 16, 2 × 32 आ जा रहा है, तो 32 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की घात 5 और इन सभी को हम कोष्ठ में बदल देंगे और इसके ऊपर है 1/5 तो लिख दीजिए 1/5। और हमने आपको क्या बताया जब दिया हुआ हमारा 1 की घात
एम और इसके घात में अगर एन दिया हो तो हम क्या करते, ए को हम वैसे ही लिख देते और इन दोनों को गुना कर देते, इनकी घात को लिख देते हैं एम इंटू में एन। तो इसी प्रकार से इसमें भी कर लेंगे हम। देखिए दो को हम वैसे ही लिख देंगे और इसके ऊपर जो है यहाँ पर पांच है तो इसको हम लिख देंगे ऐसे और इन दोनों को हाथ को गुना कर देंगे, पांच गुने एक बटे में पांच। तो देखिए ये पांच कट गया तो इसमें कितना बच गया दो, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हम तीसरा नंबर में। देखिए यहाँ पर है 125, तो 125 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणन खंडन करेंगे। 125 का गुणन खंड कीजिए, 125 का जब गुणन खंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें देखिए दो से ना लगेगा, ना ही तीन से लगेगा, पांच से लगेगा। पांच से लगाएंगे तो 25 × 1 = 125, फिर से यहाँ पर हम पांच से लगाएंगे तो 5 × 25, फिर से पांच से करेंगे तो यहाँ पर एक हो गया। तो देखिए पांच का गुणन 125 का गुणनखंड, 125 का जब गुणनखंड किए तो कितना हो गया, पांच गुने पांच हो गया। तो हम 125 बराबर क्या लिख सकते हैं, पांच की घात कितना हो जाएगा, एक दो तीन हो जाएगा। पांच कितनी बार है, तीन बार, हम इसके ऊपर लगा देंगे तीन, पांच की घात तीन बराबर 125 आ जाता है। तो 125 की जगह पर हम लिख सकते हैं पांच की घात तीन, यहां पर लिख देते हैं पांच की घात तीन और इसके ऊपर यहां पर दिया पहले से 1/3, तो 1/3 लगा दिए। अब यहां पर देखिए पांच की घात तीन है तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, जब आधार दोनों की, यहां पर देखिए आधार को हम वैसे ही लिख देते हैं जब इस तरह से हो तो, और इनकी घात को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे तीन और गुना में 1/3, ये तीन से ये तीन कट गया तो इसमें बच गया कितना, पांच, यहां पर लिख देंगे पांच, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इस तरह से हमने प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न संख्या 1 को देख लिया। नेक्स्ट में हम लोग प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न संख्या 2 से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।